पूर्व विधायक अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज। न्यायालय ने 15 दिन के न्यायिक रिमांड में भेजा। जेल जाने से पहले बोले अमित, बदलापुर की कार्रवाई से डरने वाले नहीं, कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शपथ पत्र में नागरिकता की गलत जानकारी देने संबंधी लगी याचिका के खिलाफ अमित जोगी की जमानत याचिका न्यायालय ने आज खारिज कर दी। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जेल भेज जाने से पहले अमित जोगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, बहुत ही जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। माननीय न्यायालय उनके साथ है। भूपेश बघेल के साथ उनका राजनीतिक शौचालय है, यहाँ से बैठ कर वह अपने बदलापुर की राजनीति। बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई करी है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। माननीय न्यायालय मेरे साथ है और भूपेश बघेल के साथ उनका राजनीतिक शौचालय है, जहाँ से बैठ कर वो अपनी बदलापुर की गंध फैला रहे हैं। फिलहाल इस फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट है, वहाँ पे अर्जी प्रस्तुत की जाएगी और फिर उसके बाद है। आपको बता दें कि यह याचिका भाजपा की नेत्री समीरा पैकर ने लगाया था, लेकिन अमित जोगी ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।